मेरे लिए खुद ही ये अविश्वसनीय था जो रिजल्ट आया. रिजल्ट में मैंने मेरा जो थिंकिंग पैटर्न था ना वो थोड़ा चेंज हुआ, बड़ा पॉजिटिव महसूस करने लगी थी मैं एम्पावर्ड फील करने लगी थी. और पिछले कुछ टाइम से जब ग्राफोथेरेपी मैं नहीं कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे मेरी हील्स में ना एड़ी में बहुत दर्द होता था. मुझे उसके पहले चिकनगुनिया हुआ था जिसके कारण डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि इनको अर्थराइटिस के सिम्टम्स आ गए और मुझे ऐसे लगने लगा था कि शायद अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मैं हड्डियों के दर्द से ही जीवन चलना पड़ेगा. मतलब ऐसे मुझे महसूस कर लिया था मैंने कि एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा इस दर्द को मुझे. लेकिन पता नहीं कैसे कब मेरे जीवन में उपेंद्र भैया आए और इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ग्राफोथेरेपी करिए. मैंने ग्राफोथेरेपी शुरू की क्योंकि किसी पैटर्न को बना के कैसे हम दर्द को ठीक कर सकते हैं मुझे विश्वास नहीं था. लेकिन उनके कहने पर मैंने शुरू किया और ग्राफोथेरेपी करते करते विद इन 30 डेज से लेकर 60 डेज के बीच में कब वो दर्द मेरा वैनिश हो गया, कब मेरे शरीर से मेरे पैर से वो दर्द खत्म हो गया, कब मैं अपने पैरों पर बिना चप्पल के फर्श पे चलने लग गई मुझे खुद नहीं पता चला. और उसके बाद ये अनुभव मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था. मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उपेंद्र नाथ जी की कि जिन्होंने मुझे ग्राफोथेरेपी सिखाई और मुझे करने के लिए प्रोत्साहित किया. मैंने उसको करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट पाया. थैंक यू उपेंद्र जी.